पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना और कौमी हीरो समेत सिंध की सकाफत को मज़ीद उजागर करने के लिए सखर की निजी तंजीम ने शहर के दाखिली रास्ते की दीवार पर फन आर्ट से इन दीवारों को सजा दिया है, जिससे शहर में दाखिल होने वाला हर फर्द सखर की खूबसूरती और अपने कौमी हीरोज़ की कुर्बानियों को याद करता है। निजी तंजीम ने अपनी मदद आपके तहत मिलिट्री रोड पर तारीखी मुकामात कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना और अब्दुल सत्तार ईदी की तस्वीर बनाकर शहर की खूबसूरती में इजाफा किया है, लेकिन बदकिस्मती से निजी तंजीम को हुकूमती अमलदारों की कोई भी मदद हासिल ना हो सकी। ज़िला इंतजामिया, पहले तो ये ज़िला इंतजामिया की तरफ से हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला और अभी तक कोई अप्रिशिएट का भी कोई रिस्पांस नहीं मिला। ये हमारे सखा की लोकल मार्केटिंग का स्पॉन्सरशिप थी और स्पॉन्सरशिप भी कोई बड़े पैमाने में नहीं थी, एक मुख्तसर जिसकी जो एक बजट था और तकरीबन हमें इसमें करने में 12 से 15 दिन का एक वक्का लगा है और कटने का सिर्फ एक ही माइंड था कि अपने सखर को अपने शहर को संवारें। कौमी हीरोज़ की तस्वीर की नक्शबंदी करने वाले आर्टिस्ट ने दिलो जान से इस आर्ट को बनाने के लिए ख़ास मेहनत की, जो 15 दिन के बाद मुकम्मल हो सकी। शहरियों ने तस्वीर मुकम्मल होने पर निजी तंजीम की काविशों को सराहा और अज़म किया कि नई नस्ल को हीरोज़ की कुर्बानी और सखर शहर की खूबसूरती के बारे में खासी मालूमात मिल सकती हैं और ये शहर के दाखिली रास्ते पर बनने से शहर में आने वाले नए मुसाफिरों के लिए भी सखर शहर का खूबसूरत अंदाज पेश करेगी। देखिए जी, ये है सखर का रियल फेस। सखर के रहने वालों ने दिखाया है लब्बैक सखर की जानिब से कि ये सखर का रियल फेस है। अगर सखर को खूबसूरत बनाया जाए तो किसी भी तरह से एक शाराए पे सखर की मेन शाराए है मिलिट्री रोड, जिसकी दीवार पे सिर्फ एक सखर की एक दीवार पेंटिंग की गई है, जिससे जाहिर होता है, साबित होता है कि सखर को कितना खूबसूरत बनाया जा सकता है, बनाया गया है। निजी तंजीम सखर शहर की खूबसूरती को मद्देनज़र रखते हुए अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन देखना यह है कि ज़िले इंतज़ामिया और सखर शहर की सियासत से जुड़े बड़े बड़े नाम शहर की खूबसूरती के लिए अब क्या करते हैं। कैमरामैन अदनान के साथ तारिक मुगल, सियासी अफेयर सखर।